टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान, जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरण मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233-22-3322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। विधायक पर मुस्लिम धार्मिक स्थल में चप्पल पहनकर घुसने का आरोप, इबादत कर रही महिलाओं ने लगाए अभद्रता के आरोप। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जिला अस्पताल में चरमाई चिकित्सा व्यवस्था, 125 से ज्यादा ऑपरेशन पोस्टपोन्ड। और कूड़ो की अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में भारतीय टीम का असाधारण प्रदर्शन, 3 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य सहित 13 पदकों पर जमाया कब्जा। भारतीय जनता पार्टी के हवा महल जयपुर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। भाजपा विधायक अक्सर मुस्लिम धार्मिक स्थान, मुस्लिम जुलूस और मुस्लिम व्यवसायियों के खिलाफ ही एक्शन में दिखाई देते हैं। सोमवार शाम को भाजपा विधायक आचार्य जयपुर के बदनपुरा स्थित एक धार्मिक स्थल में चप्पल पहनकर अंदर घुस गए। इस दौरान इमाम बाड़े में महिलाएं इबादत कर रही थी, महिलाएं एकदम से सक पका गई, अपना पर्दा बचाती महिलाएं इधर उधर भागती दिखाई दी। विधायक को चप्पल पहने इमाम बाड़े के अंदर घुसने की सूचना मिलने पर समाज में आक्रोश फैल गया। इमाम बाड़े की पवित्रता भंग करने के आरोप में विधायक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक धार्मिक स्थल के परिसर में हो रहे हंगामे की दृश्य सोमवार शाम के हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जांच करने के नाम पर चप्पल पहनकर इमाम बाड़े में घुसकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इस दौरान इमाम बाड़े में महिलाएं इबादत कर रही थी, वे आतंकित होकर इधर उधर भागने लगी। पर्दा बचाने के लिए कई महिलाओं ने वहां खड़े वाहनों की ओट का सहारा लिया। विधायक द्वारा इमाम बाड़े में चप्पल पहनकर घुसने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश करते हुए मामला शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान इमाम बाड़े को अपवित्र करने और वहां इबादत कर रही महिलाओं की इबादत में खलल डालने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। ऐसे में समाज ने न्यायालय की शरण लेकर मामले की जांच कराने का मन बनाया है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, इससे पहले भी विधायक आचार्य समाज के धार्मिक जुलूस को रोककर जुलूस में शामिल लोगों से बदसलूकी करने का आरोप है। इस मामले में भी विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ऐसा लगता है विधायक बाल मुकुंद को कार्यपालिका पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए वे अक्सर बिना किसी अधिकारी को, बिना पुलिस को सूचना दिए खुद ही कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं और जांच के नाम पर लोगों से अभद्र व्यवहार करने में भी परहेज नहीं करते हैं। उनके इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इमाम बाड़े में चप्पल पहनकर घुस जाने और इमाम बाड़े में इबादत कर रही महिलाओं को आतंकित करने के आरोप में समाज ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। आक्रोशित मुस्लिम समाज ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय की शरण लेने का मन बनाया है। उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज से जुड़े 6 हॉस्पिटलों के 558 रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। वार्डों में भर्ती नर्सिंग स्टाफ के भरोसे रोगी है। बीते 2 दिनों में करीब 125 से ज्यादा ऑपरेशन प्लांट हो चुके थे जो टाले जा चुके हैं। आउटडोर में जहां एक कक्ष में 3 से 4 रेजिडेंट डॉक्टर होते थे, वहां हड़ताल होने से सारे मरीज मात्र एक सीनियर डॉक्टर के भरोसे पे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते उदयपुर की जिला चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। मरीजों को डॉक्टर को दिखाने में 2 से 2.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। RNT मेडिकल कॉलेज में 558 रेजिडेंट डॉक्टर के स्थान पर अब सीनियर डॉक्टर और 40 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा OPD की व्यवस्था को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। MB हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया
कि सीएमएचओ से अतिरिक्त डॉक्टर मांगे गए हैं, जिसमें से करीब 8 से 10 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई है। जिन यूनिट हेड डॉक्टरों का वार्ड में एडमिशन नहीं है, उन्हें भी ड्यूटी पर लगाया गया है। रेजिडेंट को हड़ताल खत्म करने के लिए हम समझा ही सकते हैं, हालांकि उनकी जो मांगे हैं वह राज्य सरकार स्तर से ही पूरी हो सकती है। ये अभी हमारी जो हड़ताल है, जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ था, उसको 45 दिन हो गए। उसके बाद में भी सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक। एक तो उसकी वजह से हम हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी कुछ एडेड मांगे हैं हमारी, जो कि भाई हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स 24 घंटे काम करते हैं उनकी बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी का इश्यू होना चाहिए, तो वो मांगे हैं। अभी थोड़े दिन पहले SMS मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट के साथ कुछ घटना हुई थी, अपने यहाँ पर RNT में बहुत सारी घटना हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेसिक फैसिलिटी हो, एक डॉक्टर रहने के लिए एक रूम हो अच्छा सा, कि उसमें और इसके कोई बाकी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे सुने, और हम भी एक इंसान हैं, इंसानी की जो इंसानियत रखते हैं कि लोग आते हैं परेशान होते हैं, हम भी नहीं चाहते कि लोग परेशान होए। तो हम चाहते हैं कि सरकार आगे कदम बढ़ाए, हम भी एक कदम बढ़ाए, तो हम भी कि ये समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कम से कम हमारी बातें सुनो। हमेशा कागज़ों पर साइन करके चले जाते हैं, फिर कुछ होता नहीं है। तो मजबूरन हमें पहले भी हम सांकेतिक हड़ताल दे रहे हैं, 8 तारीख से चल रही है 2-2 घंटे की पूरे प्रदेश में, और SMS में तो पहले से वो इलेक्टिव चॉइस जो सेवाएं हैं वो बंद कर रखी है, लेकिन अब मजबूरन हमें 20 तारीख से कि संपूर्ण सेवाएं बंद करने को मजबूर होना पड़ा है। तो हम सरकार से यही, हमारे यही है कि भाई हमारे जो मांगे हैं उनके साथ ये समझौता करो और वो इम्प्लीमेंट करो। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाई आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। एशियाई देश येरेवन आर्मोनिया में 16 से 23 अक्टूबर तक संपन्न होने वाली कूडो की अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में मंगलवार को भारतीय टीम ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 13 पदकों पर अपना कब्जा जमाया है। कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रेफरी काउंसिल के उपाध्यक्ष 6-डिग्री ब्लैक बेल्ट शिहान राजकुमार मेनारिया ने कहा कि भारतीय कूडो महासंघ के स्थापना दिवस के अवसर पर 19 अक्टूबर को भारत के हेड कोच एवं कूडो एशिया के महासचिव हांशी मेहुल वोरा के नेतृत्व में 13वीं वर्षगांठ पर 13 मेडल का संयोग एक सुखद और ऐतिहासिक संयोग बनता दिखाई दिया। भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे कूडो एशिया के महासचिव हांशी मेहुल वोरा ने कहा कि यह उपलब्धि कूडो के विकास और सफलता का जश्न मनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। भारत की जीत से सर्वाधिक 5 पदकों का योगदान देने वाले राजस्थान के लड़ाकू फ्लाइटर्स का उत्कृष्ट प्रदर्शन, खेल भावना व उनके प्रशिक्षकों के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। कूडो मार्शल आर्ट को राष्ट्रीय खेल के रूप में भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होने के बाद से संपूर्ण भारत में लगातार प्रथम पायदान पर देखा गया, और राजस्थान पिछले 7 वर्षों से ऑल इंडिया चैंपियन की किताब पर कब्जा जमाए हुए है। भारतीय दल 24 अक्टूबर को पुनः भारत लौटेगा, जहां विजेता टीम के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कार, ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर और भिड़ंत होने से गंभीर हादसा हुआ है।
हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास की बताई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास मंगलवार सुबह सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिलड़ी निवासी विजय कलाल अपनी पत्नी आंचल कलाल और 2 बच्चों के साथ कार से अहमदाबाद से डूंगरपुर अपने घर आ रहे थे। वहीं बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास आते ही कार की सवारी लेकर जा रहे ऑटो और बाइक से उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते ऑटो चालक कावा कटारा निवासी कालीघाटी करोली रामानाथू खराड़ी मीणा निवासी ओड़ा, कार सवार विजय कलाल पत्नी आंचल भगवान पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर ने जांच के बाद ऑटो चालक कावा कटारा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर के होटल रेडिशन व्यू में आयोजित जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में उदयपुर के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसी मीणा बतौर अतिथि उपस्थित थे। जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट के तहत इन्वेस्टर प्रदर्शनी लगाई गई है, साथ ही इन्वेस्टर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए आयोजित इस समिट में प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा सभी ने इन्वेस्टर से बातचीत कर उनके सुझाव पर अमल करने का भरोसा दिलाया है। जिला स्तर इन्वेस्टर समिट में निवेश प्रस्तावकों के MOU प्रभारी मंत्री मीणा सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने इन्वेस्टर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, UDI आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, ADM सिटी वार सिंह गिरवा, SDM रिया डाबी सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी एवं निवेशक भी उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। विधायक पर मुस्लिम धार्मिक स्थल में चप्पल पहनकर घुसने का आरोप, इबादत कर रही महिलाओं ने लगाए अभद्रता के आरोप। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जिला अस्पताल में चरमाई चिकित्सा व्यवस्था, 125 से ज्यादा ऑपरेशन पोस्टपोन। और कूड़ो की अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में भारतीय टीम का असाधारण प्रदर्शन, 3 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य सहित 13 पदकों पर जमाया कब्जा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का अकेडमी, सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान, जुड़िए अनुष्का अकेडमी के साथ। हिरण मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233-22-3322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।